हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जूलॉजी। आज क्लास में हमें पढ़मा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द लेटर क्लासेस वी विल गो फॉर द फंक्शन और द मैकेनिज्म, बट हियर वी विल गो ओनली फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। सो वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन्स फ्रॉम द नोज एंड एक्सटेंड थ्रू द नेक इन टू द थोरासिक कैविटी वेर द लंग्स आर प्रेजेंट। तो आम ह्यूमान जेन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से बिगिन हेसे नोज रु स्टार्ट हेबा आता एक्सटेड होचे थ्रू द नेक के देखना से तल्कि आसीचे एंड देन देर आर लंग्स प्रेजेंट इन आवर थोरासिक कैविटी आता एंड होचे आम लंग्स ठाने लंग्स टा के अच्छे लंग्स इज प्रेजेंट इन द थोरासिक कैविटी। सो व्हाट इज थोरासिक कैविटी? थोरासिक रो अर्थ होचे चेस्ट और आमर जेन भी थोराक्स वर्ड लगवा सेटा आमर चेस्ट के डिनोट करसी। सो रिमेम्बर दिस वर्ड थोरासिक एंड थोरासिक कैविटी इज द आवर चेस्ट कैविटी जेन थारे कि आमर लंग्स प्रेजेंट अछे। सी इन दिस पिक्चर दिस इज आवर नोज इनो आमर नोज रु रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हिचे तापरे सेटा नेक के देखना तलके गला आरो एंड हिचे आमर लंग्स थाने। वी हैव टू लंग्स, दिस इज वन लंग, दिस इज अनदर लंग। So the respiratory system is divided into two major components. Our respiratory system ra duita major component ache aur duita jinis ke nei kina our respiratory system taiyari hiche. Kana kana aisa mane? So first is the respiratory tract or air conducting portion and second is the respiratory portion for gaseous exchange. So first kana hai? First is the respiratory tract or air conducting portion. फर्स्ट पार्ट डिनोट करसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के और एयर कंडक्टिंग पोर्स के। एयर का अर्थ होचे से एयर नेकना जीवा के तापरे एयर छाड़वा सेटा के टीचर देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज एंड हेकना सेटा आसला हमर ट्राकिया तक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज एंड एंड इन द ट्राकिया इटा होचे एयर कंडक्टिंग पोर्शन। नोज रो आमे भीतर के निश्वास नमा ट्राकिया तक नेला आउ हेंता एका ट्राकिया रो आमे फिर एयर टा रिलीज कर देसु नोस्टल थ्रू रो बाहर के। सो नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी पोर्शन फॉर गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी पोर्शन फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज माने काना? सिंपली ऑक्सीजन आर कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज हेबा और जहा के तुम्हें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रो आदान प्रदान कहुच से गैसियस एक्सचेंज हेसी आमर लंग्स रो भीतर के एटमोस्फियर रो थ्रू द एयर कंडक्टिंग पोर्शन लंग्स के ऑक्सीजन आसवा आरो ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज हेबा विथ इन द लंग्स तापरे से कार्बन डाइऑक्साइड फेर घा एयर कंडक्टिंग पोर्शन देखना नोस्ट्रिल द्वारा बाहर के बाहरी जीवा। सो इटा होचे दुईटा मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ए विषय रे हम एबे डिटेल्स रे पढ़मा। So in this video we will go for only the respiratory tract. Next video re ame lungs visare padma. So the respiratory tract or the air conducting portion start from nostrils or amar nose ru start hiche aur seta extend hiche up to the trachea. So it is the portion which carry gases oxygen into the lungs and carry carbon dioxide out of the lungs. It consists of external layers. Tar pahla स्टार्टिंग के नुजे सता द स्टार्टिंग होचे अमर नाज नोज रो जन नोस्ट्रिल होचे और जे ओपनिंग टा होचे जहा के हम एक्सटर्नल लेयर कोचो से थ्रू सता स्टार्ट हिचे व्हिच आर टू ओपनिंग्स ऑफ आवर नोज। अमर नाक रो जन दुईटा ओपनिंग होचे जहा के ही एक्सटर्नल लेयर और नोस्ट्रिल्स को आसी। बैक टू द नोस्ट्रिल्स वी हैव नाजल चैम्बर्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय अ नाजल सेप्टम। हमें जानिचो अमर जते वाले नाक रे भितरे दुईटा नाजल चेम्बर अच्छे गुटे लेफ्ट साइड रे अच्छे गुटे राइट साइड रे अच्छे जेनो के नाजल हेयर प्रेजेंट थेसी छोट छोट जे नाक रो बाल माने प्रेजेंट थेसी सेटा दुईटा चेम्बर है हमर बैक टू आवर नोस्ट्रिल अच्छे एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय नाजल सेप्टम। आ दुईटा नाजल चेम्बर रो मझे रे प्रेजेंट अच्छे नाजल सेप्टम। यू कैन आल्सो फील तमे जदी देखि पारबो मिरर रे बेले जानि पारबो दुईटा चेम्बर आ मझे रे गुटे सेप्टम के अच्छे। बैक टू द नाजल चेम्बर जितेबले आमे भीतर के आउट के जिमा ए पैसेज वे इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। आमे जति नाजल चेम्बर आउट के पच के जिमा से टाइम रे
गोटे पैसेज टे अच्छे और गोटे वे टे अच्छे जहाँ के फेरिंग्स कह जाए फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फेरिंग्स का बोथ फूड और एयर के कंडक्ट कर से सो लेट अस सी इन द पिक्चर एटा देखो पिक्चर रे दिस इज आवर नोस्ट्रिल एटा होचे आवर नाजल चैम्बर जेंटा देखुचो पिक्चर रे तापरे फेर जदि हम पछाड़ के जिमा एटा देखो गुटे पाथवे टे आसी छे दिस इज अ पाथवे एटा गुटे वे अछे त ई बाटू बोथ आमे जितले निश्वास नोचू एयर ए भीतर के जिबा और दिस इज आवर माउथ माउथ जते बेले आमे फूड भीतर के नोचू फूड भी भीतर के जिबा त एयर और फूड लागि कॉमन पैसेज प्रेजेंट अछे दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स सेथि लागि जदि आमे किछि खाना खाला बेले सेबा बैक नाकरु पले आसे जते आमे पानी पिउछु हर बॉडी रे भी देले पानीटा मुह बाट देखिना नाकरु बाहर के पले आसे बिकॉज द रीजन इज द फेरिंग्स जेहेतु एयर आउ फूड दुइ लोग गुटे कॉमन पाथवे शेयर करुछन दैट्स व्हाई नाकरे जदि किछु उसो पकाले भी सेटा मुह के पले आसबा कि आमे पानी जदि पिउछु बेले पानी भी नाकरु बैक पले आसे So the reason behind that is the pharynx. जब तक कि इटा देखो जब picture ये part है. So now come to next. Pharynx for ऐसे below the pharynx a short chamber is present called larynx. Larynx is the voice box which helps in the production of voice. इटा देखो इटा pharynx है. Pharynx रो तले तो उनके इटा जब कुछ देखा जाऊँ चे this is called as larynx. ये छोट part का larynx. This is a short chamber. This is called as larynx. And larynx is our voice box. If you look at voice production, is it over the larynx? A flap-like structure is present called epiglottis. Picture ra ame dekhma. Ita jan larynx hoche dekho. Larynx ro upre gote flap-like structure te dekha jauche. Flap ra artha hoche jenta mane bond khula hi parba. Mane seta move kori parba. That is a flap-like structure. जनता कि आम डबा मन के ढकन मन थे ढकन मन अटैच थी ताकि तुम खुली पार्ब फिर सागे सांग बंद कर पार्ब से टाइप रहा वन पार्ट रू अटैच थी बाकी पार्ट रू आम ओपन और क्लोज कर पार्मा से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इन में प्रेजेंट थी सी दिस इज द एपिग्लोटिस तो इटा जितेबले आम जितेबले खाना खाएमा खाना खाला टाइम रे ना ई एपिग्लोटिसटा तल के पल आस इटा एंता ऊपर के टेकी अच्छे इटा एंता तल के पल आएगा और लैरिंग्स के क्लोज करदे तो सेतार द्वारा हेल्प इटा है कि आम जन फूड खाऊ फूड टा लैरिंग्स के नहीं जाए फूड टा पले जीवा पछाड़ के इसोफेगस रे बिकज आम जन फेरिंग्स अच्छे फेरिंग्स टा एतक दूर आला पर से दुईटा भाग रे डिवाइड हो जाएसी आगार ट्यूब टा है लैरिंग्स जेनटा कि आम विंड पाइप है और पछाड़टा हूँ इसोफेगस दिस इज द इसोफेगस जेनटा कि आम फूड पाइप है तो ये दुई लोग गोटे एक ओरिजिन रु आसी मैंने गोटे कमन पाथवे अच्छे दैट्स व्वे आम जिते बेले खाना खाऊ खाना खाला बेले ये ग्लोटिस्ट अच्छे ग्लोटिस्टा तल के पले आसिकिना लैरिंग्स के कवर कर देसी अदरवाइज कण हे फूडटा जब विंड पाइप रे पले गला मैंने श्वास नली पले गला तो आमको खासी आसी जाएसी ताकि एवॉड करवार लगे एपिग्लोटिस्टा अच्छे व्हिच क्लोज द लैरिंग्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड सो दैट फूड विल नॉट एंटर इन द ट्राकिया तो ये आम देखला पहला थिला अमर नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल परे आसला नाजल चैम्बर परे फेरिंग्स फेरिंग्स परे लैरिंग्स लैरिंग्स रो ठीक उपरे अछे गुटे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस नाउ बिलो द लैरिंग्स यू विल फाउंड अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्राकिया सो लेट अस सी इन द पिक्चर देखो ठीक लैरिंग्स रो तले इटा जेन ट्यूब भलिया स्ट्रक्चर देखा जाउछे इटा के कहा जायसी ट्राकिया और द ट्राकिया इज अदरवाइज कॉल्ड लेट्स विंड पाइप ट्राकिया के ही हमें श्वास नली और विंड पाइप कहूचु सो द ट्राकिया इज कवर्ड विथ अ सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग व्हिच इज व्हिच प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स ट्राकिया रे प्रेजेंट अछे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सी दिस इज अ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग जेंटा देखा जाउछे तुमके इटा रिंग माने इ माने सब सी शेप प्रोथेसन ट्राकिया के अधा कवर करथिबे पछाडू कवर नी करन दैट्स व्हाई समान एंता सी लाइक देखा जिवे माने हाफ मून लाइक सी शेप रिंग थिवे एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज तो इने कार्टिलेज और जेंटा कि हमर सॉफ्ट बोन है कार्टिलेज रु तैयार हिथिबे सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग हियर इने कार्टिलेजिनस रिंग कहला जे हमें यू नो अछे
ता रीजन होचे कि कार्टिलेजिनस रिंग थिले लंग्सटा और ट्राकियाटा कोलाप्स नहीं जाए माने सेटा मुजी नहीं जाए सेथिर लागि कार्टिलेजिनस रिंग सेन यूज कराई छे व्हिच प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलाप्स जदि इनो कार्टिलेजिनस रिंग नहीं थीता तो सेटा आराम से हेथि परे कोलाप्स हे जाइथिता माने तर इलास्टिसिटी नहीं थीता आरो सेटा जेतबेला आमे निश्वास नोजु सेटा टिके स्वेल हे जाउछे फेर सेटा छोट हे जाउछे तो ई जन मूवमेंट हे परुछे दिस इज ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द रिंग एंड तार संगरे इटा कार्टिलेज रो भी तैयारी छे तो सेटा कोलैप्स नहीं दे माने एंता लंग्स के सेटा मुजी नहीं दिए दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग नाउ द ट्राकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस एंड एंटर द लंग्स एबे ट्राकिया टिके दूर मूव कला परे इटा देखो टिके दूर रन कला परे से दुईटा ब्रोंकस रे डिवाइड हे जे दिस वन जेंटा गुटे राइट साइड रे ढुकुचे आर गुटे लेफ्ट साइड रे ढुकुचे दिस आर द ब्रांचिंग तो इमानकी कहा जाए से प्राइमरी ब्रोंकस द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्राकिया दैट इज द राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड यारे अच्छे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस तपरे इतर परे आमे पढ़मा लंग्स रा इंटरनल स्ट्रक्चर व्हिच वी विल गो इन द अदर वीडियो नाउ सी आमे ई पिक्चर टिके क्लियरली देखि परमा देखो इटा हमर नोज दे दिस इज द नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल इटा होचे चैम्बर नाजल चैम्बर तपरे आमे तलके आला तलके आला परे इटा होचे हमर फेरिंग स्टार्ट हे गला इटा नो एबे दिस इज द माउथ माउथ नो तमे फूड खाला सी दुई लोग गुटे कॉमन पाथवे शेयर करूचन व्हिच इज द फेरिंग्स ई जगाटा फेरिंग्स है एबे फेरिंग्स के आला परे इटा होचे हमर ट्राकिया एंड दिस इज द एपिग्लोटिस इटा देखो इटा ओपन हे केना छे जते बोले फूड खायमा हमें फूडटा माउथ रो एंट्री करबा एंट्री करी किना सेटा जीवा ई पछाड़ ट्यूब के इनके जीवा तो जते बोले चांसेस होसे कि फूडटा ई भीतर के पले आबा और जदि विंड पाइप रे फूड आला बोले सेटा डेंजर हेसी दैट्स व्हाई एपिग्लोटिस अछि दिस इज द फ्लैप इटा तलके पले आसी किना लैरिंग्स के क्लोज करि दबा तापरे इन अछि हमर ट्राकिया दिस इज द ट्राकियल रिंग जेंटा कि तमे देखि पारो छ कार्टिलेजिनस रिंग माने अछि तार तले अछि फिर लंग्स तो नॉस्ट्रिल लो नेकि ना लैरिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के कहा जासी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अर्थ होचे स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एंड एंड्स इन द लैरिंग्स तापरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमें कहसु ट्राकिया टू नेकि ना लंग्स के तो थरे थरे देखा जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तार अर्थ होचे नॉस्ट्रिल लो नेकि ना अमर लैरिंग्स तक का इन्फेक्शन होचे जदि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने सेटा होचे ट्राकिया रु नेकि ना lungs with the infection so that's all about our upper respiratory tract structure with the trachea thank you students